बिहार विद्युत विनियामक आयोग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 तक के लिए निर्धारित विद्युत दर में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के द्वारा इस आदेश का स्वागत किया गया है। हालांकि बिजली कंपनियों ने अपने आवेदन में बिजली दर में लगभग 10% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था, लेकिन विद्युत विनियामक आयोग ने निर्धारित विद्युत दर में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की। बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण अग्रवाल ने इस फैसले का स्वागत किया है। क्योंकि इसमें उन्होंने इलेक्ट्रिक टैरिफ किसी भी कैटेगरी में नहीं बढ़ाया है। उन्होंने बिजली बोर्ड की जो डिमांड थी उसको उन्होंने नहीं माना और हम लोग की डिमांड को कुछ हद तक माना। हालांकि हम लोगों ने उनको कहा था कि भाई इसमें अभी गुंजाइश है कि आप इसको काफ़ी और कम कर सकते हैं, लेकिन अभी उन्होंने उस चीज़ को नहीं माना है। एक और जो दूसरी बात हुई है कि इन्होंने इंडस्ट्री के लिए एक अलग कैटेगरी का निर्माण किया है, ST IAS। तो अब बिहार में सभी कैटेगरी को STS को छोड़ करके सभी को सब्सिडी दी जा रही थी। सरकार का ये कहना था कि कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल तीनों ही इस STS कैटेगरी में आते हैं, तो इसलिए हम यदि इंडस्ट्री को देते हैं तो हमको सभी को देना पड़ेगा। तो इस बार जो है STIS करके इंडस्ट्री के लिए एक अलग कैटेगरी कर दी गई है, तो उम्मीद है कि इससे आने वाले समय में इंडस्ट्री को इसका फायदा सरकार दे पाएगी। हम लोगों ने भी एक देश एक विद्युत दर की डिमांड को हम लोग भी सपोर्ट करते आ रहे हैं, और जब तक वो लागू नहीं होता है तब तक हम लोग कहते हैं कि सरकार को इंडस्ट्री के बारे में जरूर सोचना चाहिए, चाहे वो LTIS हो चाहे HTIS हो। उसकी रेट नेबरिंग स्टेट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में, ताकि बिहार की इंडस्ट्री कम्पीट कर सके। अदरवाइज बिहार की इंडस्ट्री जो है वो कम्पीट नहीं कर पाती है। तो ये हम लोग का सारा सजेशन था सरकार को, और इस पर जो डिसीजन पर हम लोग का ये मंतव्य था। और आगे जो है हमारे सुभाष पटवारी जी जो हमारे पूर्व उपाध्यक्ष भी बोलना शुरू कराओ, स्टार्ट कीजिए सर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हमारे आए हुए दोस्त, ये बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हम लोगों ने बुलाई है, और हम लोगों का जो विद्युत दर है उसमें सबसे ज़्यादा मुद्दा ये रहता है कि उद्योगों बोलना शुरू